नाउ हमने एक चीज पढ़ी कि सब एक तो क्या बिल्कुल एक्सट्रीम कि सब एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन नेचर, हम नेचर के अनुसार चलेंगे। एक चीज़ हो गई सब पॉसिबिलिज्म, मतलब हम हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं, हर चीज़ में हम जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी लगा के अपनी नॉलेज लगा के उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है सर। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक मिडिल मार्क निकाला गया, मिडिल मार्क मध्यम मार्ग है ना, तो ये मध्यम मार्ग जो है अरे यार एक सेकंड, अब ये मध्यम मार्ग किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। तो ये सवाल ये आपसे बार बार पूछा जाएगा कि ग्रिफिथ टेलर ने किसने दिया स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये बार बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एक नंबर में आएगा। तो ग्रिफिथ टेलर लिखना है आपको। ऑप्शन भी बता दूं क्या क्या आएंगे। ऑप्शन आएंगे आपके पास रेडजेल, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा सैंपल, ऑप्शन सी आएगा ये ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास आएगा ब्लाची, ठीक है। ब्लाचे के जगह अगर कोई अच्छा टीचर हुआ तो यहाँ पर वो है जस्टिन बीबर दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। टेलर का एक गाना भी आता है ना, वो दे सकता है ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चे। ये चीज ध्यान रखना, ऐसे सवाल आएंगे। अब इट इज अ मिडिल मार्क। अब देखो आपने ना सिग्नल देखा होगा, रेड लाइट आएगी तो रुकेगा, ग्रीन लाइट आएगी तो जाएगा, ठीक है, और एम्बर लाइट आई, एम्बर लाइट आई तो क्या होगा देखो, ठीक है। तो ये तीन लाइट होती ना, वही चीज पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है कि स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, मतलब कि पहले आप रुको, देखो, समझो और फिर जाओ। मतलब क्या है इसका कि नेचर को चेंज करो लेकिन एक लिमिट तक, ऐसा नहीं है कि पूरा बर्बाद कर दो। ऑलरेडी जो हमने पॉसिबिलिज्म वाली थ्योरी दी है उसके कारण यहाँ पर जो है ना धरती पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, O3 डिप्लीशन ये हो रहा है। तो यहाँ पर अंधाधुंध जो है आपको क्लाइमेट को कैप्चर करना है, नेचर को जो है अडॉप्ट करवाना है अपने हिसाब से। आप नेचर के खिलाफ जो चीज़ें कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए, ठीक है। मतलब आप जो है इस तरह से चलो कि आपको दोनों का एक्सट्रीम नहीं हो, मतलब नेचर की भी आपको एक्सट्रीम झेलनी नहीं पड़े और आप नेचर को मॉडिफाई कर दो, इतना एक्सट्रीम भी मत चलो। आप जो है थोड़ा बीच का रास्ता बना लो, मध्यम मार्ग, ठीक है। सो नाइदर देयर इज सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, या तो ऐसी नहीं है कि पूरी की पूरी हमें सर्दी बैठ के झेलनी पड़ेगी, ये बार ऐसी नेसेसिटी भी नहीं है, और ऐसी भी कंडीशन नहीं है कि हम पूरा पूरा जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर दें। तो ना तो एब्सोल्यूट फ्रीडम है ना एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, दोनों एक्सट्रीम नहीं है, हमें बीच का मार्ग बनाना है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द मेन एम। तो इसका मेन एम क्या है नियर डिटर्मिनिज्म का, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये याद रख लेना आप लोग बस, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको एक एक चीजें जो है क्लियर करता जा रहा हूँ। तो तीन तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, पहला मैंने बता दिया आपको, दूसरा बता दिया नियर डिटर्मिनिज्म क्या होता है, किसने दिया आपको बता दिया, क्या होता है आपको बता दिया, ठीक है। इसका मेन एम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीन चार क्वेश्चन बढ़ गए यहीं से, बिल्कुल यही के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। अब लिखने को आ जाए तो लिखित हो गए ना यार, इतनी थ्योरी आपने समझ ली, अपनी भाषा में लिख देना इसको, कहाँ दिक्कत आ रही है। सो इट इज द मेन एम द न्यू डिटर्मिनिज्म मेंटेन बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड नेचर। तो न्यू डिटर्मिनिज्म क्या करता है? डेवलपमेंट और नेचर के बीच में बैलेंस करता है। तो सवाल पूछेंगे विच थ्योरी या विच कॉन्सेप्ट मेंटेन्स या गिव्स, विच कॉन्सेप्ट गिव्स थ्योरी ऑफ maintaining balance between development and nature, ठीक है। आप इसे लिख लेना पूरा का पूरा सिलाई ने, तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको बताना है सब न्यू डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, याद रख लोगे, यहाँ तक हो गया मामला क्लियर। अब देखो ह्यूमन जोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। अब ये क्या कह रहा है कि सब इसमें तीन थ्योरीज दे रखी है, एक दे रखी है वेलफेयर स्कूल, ठीक है, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, जैसे वेलफेयर वाले क्या कहते हैं, सब वेलफेयर वाले क्या कहते हैं, रेडिकल वाले क्या कहते हैं। अब ये वेलफेयर वाले जो है ना ये सोशल वेलबींग पर बात करते हैं, ठीक है। इसी बात जो सेकंड क्लास आती है ना वो रेडिकल स्कूल की आती है। रेडिकल स्कूल वाले क्या करते हैं, ये मतलब पॉवर्टी और डेप्रीवेशन की बात करते हैं कि सब कैसे पॉवर्टी रह गई, डेप्रीवेशन क्या रहा, सोशल इनइक्वालिटी की हो गई, तो ये इसकी बात करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है यहाँ लिखना है वेलफेयर स्कूल, ठीक है। वेलफेयर स्कूल किसके बारे में बात करती है, सोशल वेलबींग के बारे में बात करती है, ठीक है, ये नोट्स बन गए अपने, ठीक है, कहानी याद रखनी है। दूसरा क्या है आपकी है रेडिकल स्कूल, रेडिकल स्कूल किसके बारे में बात करती है, रेडिकल स्कूल बात करती है सब पॉवर्टी के बारे में बात करती है कि इतनी गरीबी क्यों है, इतना डेप्रीवेशन क्यों है, ठीक है। और तीसरा क्या है, इतनी सोशल इनइक्वालिटी क्यों है, ये सब हो गया, काम इनइक्वालिटी क्यों है, ऐसे आप नोट बना लेना। मैंने फटाफट लिखा, थोड़ा सा राइटिंग खराब आ रही है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ये बात हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा एक बिहेवियरल स्कूल भी है, ठीक है, उसके बारे में भी आप ऐसे ही शॉर्ट नोट बना लेना कि सब ये किसी चीज़ों के
किस किस चीज़ों के बारे में बात करेगी कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपके नेचर से बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो सारी उसमें बात आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर है ना टेबल देखिए आपकी बुक के अंदर, इसमें क्या है कि यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी के जो स्टेजेस रही है वो कैसे रही है। जैसे कॉलोनियल पीरियड के पहले, अर्ली कॉलोनियल पीरियड के शुरुआत के दौर में यहाँ पर क्या हुआ था, देखो यहाँ पर यह ट्रेड इंटरेस्ट था, प्रॉम्प्टर डिस्कवरी हुई है ना, मतलब जो अंग्रेज आए उनका ट्रेड इंटरेस्ट था, ठीक है, उन्होंने कुछ डिस्कवरीज करी, ठीक है, नए एरियाज को सर्च किया, जैसे इन्होंने नए एरिया सर्च करे, यहाँ पर टी का प्लांटेशन शुरू करा, कॉफी का प्लांटेशन शुरू करा, ठीक है, कुछ माइंस वगैरह मिनरल्स वगैरह इन्होंने ढूंढे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई। फिर उसके अलावा देखो यहाँ पर लेटर कॉलोनियल, मतलब कॉलोनियल पीरियड के बाद वाले टाइम में क्या हुआ, इसमें देखो आइडिया ऑफ द रीजन वर पार्ट ऑफ द होल, सो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट इन द टोटली वुड लीड टू अंडरस्टैंडिंग द होल, मतलब ये क्या कहना है, बाद में इनको पता लगा कि सब एक एक पार्ट को अलग अलग पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप क्या करो कंप्लीटली जो है एक पढ़ोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर इस वाली थ्योरी के अंदर कहा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो फिर क्या है 1930s वाला इंटर वॉर पीरियड, मतलब जहाँ पर वॉर वगैरह चल रहे थे ना उस समय, तो यहाँ पर क्या हुआ था, फोकस किस पर था, ये चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, फिर 1950s और 60s में क्या हुआ स्पेशल, मतलब ज्योग्राफी, ये ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरह से इवॉल्व हो रही है वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, अब यहाँ पर ये फील्ड्स दे रखी है, ये फील्ड से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक नंबर में, कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर देखो, सोशल ज्योग्राफी है, इसके सब फील्ड्स क्या है और इसकी जो डिसिप्लिन है, मतलब सोशल साइंस की और भी डिसिप्लिन है जिससे इसका इंट्रैक्शन होता है, मतलब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कॉमन है जो हम इसमें भी पढ़ रहे हैं और हमारी ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ रहे हैं। तो सोशल ज्योग्राफी के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो, सब बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हो, सोशल वेलबींग के बारे में पढ़ रहे हो, लीजर के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, कल्चर, जेंडर, हिस्टोरिकल, मेडिकल के बारे में पढ़ रहे हो, तो याद करने वाली चीज़ें हैं। तो लीजर के बारे में जब पढ़ोगे तो सोशियोलॉजी के अंदर भी पढ़ोगे, कल्चर के बारे में पढ़ोगे तो एंथ्रोपो के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, बिहेवियर के बारे में पढ़ोगे तो साइकोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, है ना, इस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है। मेडिकल के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पर पढ़ोगे, हिस्टोरिकल तो ऑब्वियसली हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, तो कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, बिल्कुल मिलती जुलती है। अर्बन ज्योग्राफी मतलब यहाँ पर अर्बन स्टडीज और प्लानिंग होती है, उसके अंदर आप ये चीज़ें पढ़ते हो, फिर इसका डिसिप्लिन है तो दोनों का कॉमन है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी मतलब पॉलिटिकल साइंस ऑब्वियसली आएगा, ये आ गया। फिर इसके अंदर दो चीज़ें और हो गई, इलेक्टोरल और मिलिट्री ज्योग्राफी, यहाँ पर ये चीज़ें अलग अलग फील्ड्स हमारे पास आ जाती है। फिर इसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये आप डेमोग्राफी के अंदर पढ़ते हो। सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये आप रूरल प्लानिंग की अर्बन प्लानिंग के अंदर पढ़ते हो। तो ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हमारा पूरा हो गया। इसके बाद ये थोड़ा सा एक और इकोनॉमिक ज्योग्राफी दे रखी है, इसके सिस्टर डिसिप्लिन्स दे रखी है, तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक बार आप पढ़ोगे, दो तीन बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।